वंदे मातरम। अपने वादे के मुताबिक आज हम फिर आपके साथ हैं, और पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि RPWD एक्ट के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी अब 21 हो गई है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया चलन क्रिया से संबंधित दिव्यांगता की, लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्रवण बाधित दिव्यांगता, यानी जब सुनने में दिक्कत होती है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो आवाज आपके पास जा रही है कानों में वह तरंगों के रूप में जा रही है, और यही जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति, इसके आधार पर यह तय होता है कि आप में या हम में या किसी और में सुनने की क्षमता कितनी है। इसमें दो तरह की श्रेणी होती है। एक श्रेणी वो होती है जिनकी सुनने की जो क्षमता होती है, क्षमता का ह्रास 70 dB है। dB वह मानक है जिसके अनुसार ये नापा जाता है। जैसे आप सेंटीमीटर नापते हैं, किलोमीटर नापते हैं, लीटर नापते हैं, ऐसे ही तरंगों को जब सुनने की बात करते हैं तो वो dB उसका वो मानक होता है नापने के लिए। तो जिसके अंदर भी 70 dB सुनने का नुकसान हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीफ। दूसरे कौन है? हार्ड ऑफ हियरिंग। जैसे आप देखिए अपने घरों में जो अपने बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी लंबी आयु जब हो जाती है तो बड़े जोर से जब चिल्लाना पड़ता है तब वो सुनते हैं। कभी कभी घर में जब कहिए ना, कुछ महिलाएं आपस में बैठ के बात कर रही होती हैं तो कहती हैं कि देखिए इतने जोर से चिल्ला रहे हैं तब नहीं सुन रहे हैं, अभी धीरे से कुछ कह दीजिए तो तुरंत सुन लेंगे। ये ऐसी कुछ भ्रांतियां होती हैं। तो जब सुनने की जो क्षमता है 60 dB से लेकर 70 dB हानि हो चुकी हुई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हार्ड ऑफ हियरिंग। और इसके लिए सरकार की ओर से श्रवण यंत्र देने की बात आती है। अभी एक ऑपरेशन की ही बात इसकी चली है, भारत सरकार ने इसके लिए योजना भी चलाई है, कॉकलियर इम्प्लांट की। 6 लाख तक का इसमें सरकार अनुदान भी देती है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी। ये योजना क्या है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमने जो सीरीज शुरू किया है 21 प्रकार की दिव्यांगता है, पहले आप 21 प्रकार की दिव्यांगता को हम आप समझ लें, इसके बाद फिर हम इसके विषय में और योजना की चर्चा करेंगे। आज की बात यहीं तक, अगले दिन आपसे फिर मिलेंगे नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।